गिरिराज न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में आपका फिर से एक बार आप स्वागत है। जो हम हर वीक जो है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, या जितने भी जो एमसीक्यूज रहते हैं इंपॉर्टेंट जो इस न्यूज़पेपर में कॉन्टिन्यूसली वीकली बेसिस पे आते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज देखेंगे और उसके बाद जो है हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज। जो वेरी फर्स्ट न्यूज है वो रिगार्डिंग द अभी जो है वो हमारा 15th अगस्त भी आने वाला है, तो इसी के चलते जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स जो है वो होने पे आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में जो है वो हमारी फर्स्ट न्यूज भी रहेगी, जिसमें जो है वो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि लगभग 14,83,000 जो हाउसेज हैं उन पे जो है वो ट्राई कलर होस्ट किया जाएगा। किसके चलते? जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी में ही जो है वो एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है जिसको जो है वो हर घर तिरंगा के नाम से जाना जा रहा है या हर घर तिरंगा अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। जब इस सिलसिले में इस बारे में उनके द्वारा बात की गई तो उन्होंने बोला कि जो ट्राई कलर है उसको जो है वो होस्ट किया जाएगा कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ऑफिशियल बिल्डिंग्स में, हाउसेस की बात आ जाती है, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट से जितनी वहां पे भी, एंड 13 से 15 अगस्त तक जो है वो पब्लिक जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 100% जो है उनकी पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए। सीएम सेड दैट द नेशनल फ्लैग इज, और जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो किसका सिंबल है, वो हमारा नेशनल प्राइड का सिंबल है एवरी इंडियन के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ही सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, और सेंटर की ही सरकार के द्वारा जो केंद्र की सरकार है उनके द्वारा जो है वो हर घर तिरंगा अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव विद द एम ऑफ ऑनरिंग अवर, जो सम्मान दिया जाएगा अपने नेशनल फ्लैग को। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपने जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो है ट्राई कलर जो है वो कहाँ पे, तिरंगा जो है वो कहाँ पे फहराया गया था, या जो कांग्रेस का कौन सा सेशन है जिसमें जो था वो ट्राई कलर को होस्ट किया गया था, कौन से रिवर पे के बैंक में, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में बताना है। तो इसी के रिगार्डिंग जो थी वो हमारी फर्स्ट न्यूज थी, और 13 से 15 अगस्त तक जो है वो विशेष अभियान भी चलेगा जो हमारी राज्य की सरकार है उनके द्वारा चलाया जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। हमने टाइम टू टाइम हमने इनके बारे में डिस्कस किया है कि जो जितनी भी वुमेन्स के लिए स्कीम्स हैं, एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं, या फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन जो है वो टाइम टू टाइम इनिशिएटिव किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी के सिलसिले में जो है वो एक कड़ी और जुड़ गई है जिसमें मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की बात की गई है। मेनी स्कीम्स आर बींग रन बाई द HP गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स, ठीक है, और इसमें जो है इन दिस डायरेक्शन मेनी स्कीम्स, और ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक स्कीम है, इसमें जो है वो वेरियस स्कीम्स जो है वो टाइम टू टाइम इसमें जो है वो एड ऑन की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वन ऑफ दिस स्कीम इज मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना अंडर विच फ्री LPG गैस कनेक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू पुअर फैमिलीज। इसमें क्या किया जाता है कि जो पुअर फैमिलीज हैं उनको फ्री LPG कनेक्शंस दिए जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो टाइम टू टाइम न्यूज में ये रहा था कि जो गृहिणी सुविधा योजना है या इसको जो है वो पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी रही है, जिसमें मोदी जी के द्वारा टाइम टू टाइम बोला जाता था कि हमारी जो माताएं बहनें उनको जो है वो किस प्रकार से जो है वो धुएं के साथ जूझना पड़ता है या फिर उसमें जो है वेरियस डिजीजेस जो निकल के आते हैं, अस्थमा की बात है, TB की बात है, ठीक है, उन चीजों को ओवरकम करने के लिए एक सहूलियत दी जाए। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है वो गृहिणी सुविधा योजना को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको जो है इस स्कीम की जो है वो अवेल हो सके, स्कीम जो है वो अवेल हो सके, इससे जो है वो कोई भी वर्ग जो है अछूता ना रहे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं के जीवन में जो है वो जो स्तर है उसमें सुधार हुआ है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव रिगार्डिंग द, जो अगली हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, अबाउट द पंचवटी पार्क फॉर द एल्डरली इन हिमाचल। ये जो है वो रिगार्डिंग द पंचवटी पार्क के बारे में है,
और इसकी जो शुरुआत की गई थी, जो हमारे पंचायती राज मिनिस्टर थे वरिंदर कंवर, उनके द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई थी अंडर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट पंचवटी पार्क। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनिशियल फेज में ही 1566 जो लाख रुपीज हैं सिंस 2020 से कंस्ट्रक्शन फॉर द सेम इन एचपी, ये फंड जो था वो रिलीज किया गया था 2020 से, और किसके लिए, फॉर स्पेशली द पंचवटी पार्क। और इसमें जो है ये डिसाइड किया गया कि पंचवटी पार्क जो है वो ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में जो है वो इनको पंचवटी पार्क 4 to 6 पार्क विल बी सेट अप इन लश ग्रीन लैंड इन ईच ब्लॉक ऑफ द स्टेट वेयर सीनियर सिटीजन, ठीक है, कैन अनविंड इन ए लश ग्रीन एनवायरमेंट नियर देयर होम्स, और जिसके कारण जो है वो एंड द लाइट कार्डियो वर्कआउट्स, ठीक है, एंड जेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू प्रमोट द हेल्दी एजिंग, जिसके कारण जो है वो हेल्दी, जो अगर टुवर्ड द बुढ़ापे की तरफ भी है तो वहां पे जो है वो कैसे अपने जो जीवन स्तर है, जो स्वास्थ्य है, जो लाइफ स्टाइल है, उसको जो है वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसी के रिगार्डिंग जो है वो एक इनिशिएटिव रहा सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, द पार्क्स विल बी स्प्रेड, और ये जो है लगभग 1 बीघा के एरिया में जो है वो स्प्रेड होंगे पार्क्स विद द कन्वर्जेंस ऑफ 1 बीघा मनरेगा। और इसमें जो है जो मेन रोल रहेगा या अहम किरदार रहेगा वो पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायत हैं, उनका। इसके अलावा जो है वो मनरेगा के थ्रू इनकी मेंटेनेंस की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन एंड फाइनेंस, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात आती है उसके रिगार्डिंग जो है वो इसमें जितनी भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी स्पेसिफिकली फॉर द पंचवटी पार्क। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिगार्डिंग जो है, और इसमें जो है वो वेरियस प्रत्येक पार्क में जो है वो फूल्स तो लगेंगे ही, फ्लावर तो लगेंगे ही, इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अगर तुलसी की बात की जाए, आंवला की बात की जाए, एलोवेरा की बात की जाए, तो उनको जो भी है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसी के बारे में जो था ये दिस इज ऑल अबाउट द पंचवटी पार्क, या जो पंचवटी पार्क के रिगार्डिंग न्यूज थी। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो इस वीक के हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उन्हीं के रिगार्डिंग जो है वो, सबसे पहला एमसीक्यू है कि विच इज द हाईएस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल की, एज यू ऑल नो अबाउट दिस, जो सबसे ऊंची है वो कौन सी है, शिला पीक, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 7026 मीटर है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है वो कौन सी है, ये जो है वो रेणुका लेक है, और ये एग्जिस्ट करती है आपकी कौन सी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो हिमाचल प्रदेश सरकार एचपी गवर्नमेंट का प्रथम जो वीकली न्यूज़पेपर था वो कौन सा था, या मतलब अब भी कंटिन्यूसली चलता आ रहा है जिसके बारे में हम वीकली बेसिस पे पढ़ते भी हैं, वो कौन सा था, गिरिराज। किस महान व्यक्ति को जो है वो हिमाचल, जो जिन्होंने जो था वो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया, वो किसके द्वारा किया गया, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा जो है वो नामकरण किया गया, किसका, हिमाचल का, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा जो है वो जयप्रो डांस भी परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हमने गिरिराज की जो वीकली प्रीवियस न्यूज थी उसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था कि ये जो है वो कहाँ पे और इसकी जो वेरियस रिचुअल्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, द आंसर, राइट आंसर इज किन्नौर। अभी जो है वो थोड़ा टाइम पहले ही 75 केन्स फेस्टिवल हुआ 2022, जिसमें जो है वो पाम डी प्राइज दिया गया, तो ये कौन सी बुक को दिया गया था, जो बुक का नाम था वो था स्टार्स एट द नून, तो ये आपका करंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। नारायण के साथ जो है वो विष्णु के तादमत्य का प्राचीन उल्लेख, ठीक है, इसके जो हमें एविडेंसेस हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं बौद्धयाना जो धर्मसूत्र है उससे हमें देखने को मिलता है, बौद्धयाना धर्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक, मतलब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको जो है वो कब राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, इसको जो है वो कब जो है वो अलाउ किया गया था, या जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से जो था वो फाइनल जो अप्रूवल दिया गया था वो कब दिया गया था, द राइट आंसर इज 18th of July 1947 को जो है वो इसको मंजूरी दी गई थी। द राइट आंसर इज 1947। लोकसभा का अस्थाई जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो किसके द्वारा जो है उसको
नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इसको जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। भारत के किस राज्य में विश्व का जो है वो सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है वो रिजर्वायर जो है वो हमें देखने को मिलता है? द राइट आंसर इज इन केरला। केरला में जो है वो सबसे ज्यादा भंडारण है। अपने जो जितने भी प्रदूषक है पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कारण जो है वो कौन सी नदी जो है वो क्या ऑर्गेनिक डेजर्ट के नाम से कहलाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका दामोदर। दामोदर को जो है वो जैविक मरुस्थल के नाम से जो है वो जाना जाता है। द राइट आंसर इज दामोदर रिवर। भारत में पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कब बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 अप्रैल 1948 को जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 1948 को जो है इसको बनाया गया था। किनकी भित्तियों पर जो है वो रक्त, ये साइंस का क्वेश्चन है, रक्त द्वारा डाले गए दबाव को जो है वो रक्त दबाव कहते हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो आर्टरीज होगा। धमनियों के द्वारा जो है वो प्रेशर बनाया जाता है, आर्टरीज। बनाना किक जो है वो कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है? बनाना किक का जो क्वेश्चन है तो इट इज रिलेटेड टू द फुटबॉल, फुटबॉल गेम है, इसके साथ जो है वो रिलेटेड है। बोनी किस फल की प्रजाति है? ये जो है वो कौन से फ्रूट की वैरायटी है? तो द राइट आंसर इज टोमेटो, टोमेटो की जो है वो स्पीसीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। इस वीक की जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी या जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीक जो जितनी भी हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज रहेंगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एट द एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आप वीडियोस देखते हैं तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।